नमस्कार दोस्त, अगर आपने होम लोन लिया है, बाइक लोन लिया है, कार लोन लिया है और आपके बैंक से जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली कट होती, मतलब ऑटो डेबिट सिस्टम आपने लिया है और गलती से आपसे ईएमआई क्या हो गई, आपकी बाउंस हो गई है, मतलब कि आपने ध्यान नहीं दे पाया, जो भी समस्या रही और आपने बैंक खाते में पर्याप्त तो पैसा नहीं होने की वजह से ईएमआई का टाइम आ गया और वो बाउंस हो गई है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए आपने पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ क्या करना है, वरना आपके साथ दिक्कत परेशानी हो सकती है। देखिएगा आपको क्या करना है। जैसे सपोज करो कि आपकी 5 तारीख को, महीने की 5 तारीख को आपकी ईएमआई कटती है और आपके बैंक में पैसा, खाते में जो पैसा था वो कम था, इस वजह से क्या हुआ कि आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, तब आप क्या करें? आपके पास मैसेज आ गया, बैंक से मैसेज आया कि डिसऑनर हैपेंड और इतने पे 300 रुपये कुछ समथिंग आपके कट हो गए और आपसे या 500 रुपये कट हो गए, डिपेंड करता है ईएमआई पे, और ऐसा ऐसा हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आपको वेट करना है। जैसे आपने 5 तारीख को लोन ईएमआई कट होनी थी, अब आप 15 या 20 तारीख तक इंतजार करेंगे। 15 तारीख या 20 तारीख आप इंतजार क्या करना है, आपको ये इंतजार करना है कि आपने पहले जो पैसा आपके जो खाते में कम था आप उसमें वापस से पैसा डाल दीजिए खाते में। सपोज करो 10,000 की ईएमआई है तो आपने खाते में 10,000 रुपये डाल दी। अब इसके बाद आपको करना है, आपको अब इंतजार करना है 20 तारीख तक, कम से कम 20 या 25 तारीख तक। आपने जैसे मान लो 5 तारीख को आपकी ईएमआई कट हुई और 5 ही तारीख को या 6 तारीख को आप पैसा उसमें डाल दीजिएगा अपना खाते में, जो भी आपकी ईएमआई जितने की उतना पैसा डाल दीजिए, और इसके बाद में आप इंतजार करिएगा 20 से 25 तारीख तक। क्योंकि इसके बाद में अगर 5 तारीख बाद हो सकता है 9 तारीख या फिर 14 तारीख या 15 तारीख को वो फिर से कट हो जाए, मतलब कि आपका जो डिसऑनर आपसे हो गया है गलती से, बाय मिस्टेक से हो गया, तो वो ईएमआई आपकी 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद फिर से ऑटो डेबिट होती है। इसके बाद अगर वो ऑटो डेबिट नहीं होती है कब तक, 20 या 25 तारीख तक, 25 तक भी इंतजार कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपने जिस भी कंपनी से लोन लिया है, जैसे आपने बैंक से लिया है या फिर आपने कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट फाइनेंस से लिया, जैसे महिंद्रा फाइनेंस हो गया, हिंदू, इतने सारे जो फाइनेंस कंपनी वाले हैं, तो फिर आप उनकी ऑफिस में जाएंगे, फिर उनसे आप बोलेंगे कि भाई हमसे ये हो गया और हमारी ईएमआई ऑटो डेबिट मतलब थी, लेकिन गलती से हम लोग पैसा पे नहीं कर पाए, तो अभी अब क्या करना है। तो फिर वो लोग वहां पर मैनुअल तरीके से आपको कैश डिपॉजिट कर लेंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, पैसा जमा 5 तारीख को जैसे कटनी थी, उसके बाद आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो आप 20 से 25 तारीख तक ऑटोमेटिकली कटने का इंतजार करिए। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग 5 तारीख को कट हुई तो उन गलती हो गई, उन्हें क्या करें, अब क्या करें, 6 तारीख को चले जाते हैं ऑफिस, वहां पे वो लोग आपसे कैश में पेमेंट ले लेंगे, 500 रुपये आपको या 500 रुपये या फिर कुछ रुपये वो एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं, जो भी ईएमएस बाउंस होने का वो फाइन लगती है आपके ऊपर, वो तो आपको पे करना ही रहेगा। क्या होता है कि उन्होंने 6 तारीख आपसे पेमेंट ले लिया और पता चला 9 तारीख को आपके खाते से और पैसा भी कट गया, तो दो बार आपने ईएमआई को पे कर दिया, तो फिर वो पैसा रिफंड आने में आपको बड़ा समय लग जाएगा, बड़ी झंझट रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये सब समस्या रहती है आपको ईएमआई अगर बाउंस हो जाती है तो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप पूरा झंझट समझ गए होंगे, जिन्होंने बीच में रोक दिया होगा वो ईएमआई बाउंस हो गई इसका पैसा दिमाग खराब होना ही, वीडियो बिल्कुल फ्री है तो आप पूरा देख लें, वरना ईएमआई बाउंस होने के बाद जो पैसा लगेगा ना वो फिर आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। तो होपियो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ईएमआई बाउंस होती है तो आपको क्या कदम उठाने, अगर आप किसी प्रकार की समस्या आती तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको सोल्यूशन बता दूंगा। वीडियो को अंत देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।